हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अविनेश है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में आपको 3D मॉडल बनाना बताऊंगा एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पेप्सी बॉटल को डिज़ाइन करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। बॉटल डिज़ाइन करने से पहले आपको एक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिस बॉटल को डिज़ाइन करना चाहते हो, उस बॉटल का आप PNG या फिर JPG को डाउनलोड करके आप इसमें इंपोर्ट कर लो। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उस कलर कम्बिनेशन को आपको एक जगह सेव करना होगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबको पहले पास कर लेता हूँ एक जगह। ठीक है, देखिए ये जो टॉप वाला कलर है, ये हमारा ये जिसका ढक्कन है, जो कैप इसका है, उसका ये कलर ये है। ठीक है ना, इसके अंदर ये जो ग्रेडियंट पेप्सी है, ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ बना कर रखा हूँ ना। ये जो खाली एरिया ये है, इसका कलर मैं यहाँ पर रखा हूँ। देन ये जो कैप के पास जो गोल्डन वाइट मिक्स कलर है, उसको मैं यहाँ बना कर रखा हूँ ना। जो ये लेबल लगा हुआ है, वो मैं यहाँ बना कर रखा हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से पेन टूल लेना है और इसका हाफ हिस्सा में स्ट्रोक का एक पाथ बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ, आप देखो, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एक स्ट्रोक पाथ बनाता हूँ यहाँ तक। इसमें स्ट्रोक लेना है हम लोग। इसमें फील को ऑफ कर दे रहा हूँ मैं, इसमें स्ट्रोक में मैं हल्का कलर को फील कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सही है ना फ्रेंड्स। जैसे जैसे इसमें कर्व बना हुआ है, उसी तरह से आपको भी सेम बनाना है। मैं फटाफट उसी तरह से बना ले रहा हूँ और आप इसको बिल्कुल ही आप ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि यही सारा काम करेगा आपका। ठीक है, एक बार हम मैं यहाँ पे करूँगा ना। इधर भी कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ और इस जगह से मैं एक कॉप बनाता हूँ कुछ इस तरह से। आप बीच बीच में देख सकते हो कि आप ये जो स्ट्रोक बना रहे हो, ये बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हो। ठीक है, एक मैं यहाँ बनाता हूँ, लास्ट मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसको अच्छे से करना है, आपको अच्छे से करना है इसे। ठीक है, लास्ट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक। सो फ्रेंड्स, अप्रोक्स हम लोग हाफ यहाँ पे इसका जो एरिया है, उसको हम लोग स्ट्रोक कवर कर लिए, स्ट्रोक से कवर कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे इफेक्ट में, 3D एंड रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। ऐसे करने पे आपका यहाँ पे 3D रिवॉल्व का एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ सेटिंग कुछ चेंज करने होंगे। उससे पहले पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि पूरा हमको दिखाई दे। ठीक है, कुछ इस तरह से वापस मैं 3D में जाता हूँ एंड रिवॉल्व। यहाँ से प्रीव्यू ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक आपका बॉटल का शेप नज़र आएगा जो आप मैनुअली बनाए हुए हो अभी। ठीक है, सिंपली मैं ओके कर दे रहा हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ इसके। आप देखो इसका ठीक हूबहू ये बॉटल यहाँ पे बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये बिल्कुल इसका नकल किया हुआ है बॉटल। ठीक है, बट डिफरेंस थोड़ा ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ा कर्व है। इससे वो क्या करना होगा, आपको आना होगा अपेरेंस में, यहाँ पे अपेरेंस पैनल आपको दिखेगा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ना दिख रहा होगा तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ पे देखो, एक अपेरेंस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपेरेंस में आना है और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D रिवॉल्व, इसको आप इस पर आपको करना है क्लिक, तो वापस आप उसी 3D रिवॉल्व ऑप्शन में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से पहले प्रीव्यू ऑन कर लेना है। देन इसमें जितने सारी वैल्यू है, यानी कि जो तीनों वैल्यू दिया गया है, इस तीनों वैल्यू को आपको जीरो कर देना है। तो मैं सिंपली मैं सबको जीरो कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये काम करते समय आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा या फिर हैंग करेगा, तो बिल्कुल आप पेशेंस और बिल्कुल ही आराम आराम से करना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब देखो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट में इसी की तरह ये बॉटल अब दिख रहा है। ये नीचे का जो पोर्शन है, ये हम लोग इसमें 2D में मेरे ख्याल से तो नहीं बना सकते हैं। कोई होगा बना सकता है तो बढ़िया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बनाना इलस्ट्रेटर में, वो भी 2D में, सो इम्पॉसिबल है।
सो फ्रेंड्स इतना तो हमारा हो गया। अब हम लोग इसके तरह बिल्कुल रियल इस बॉटल को बनाना है, ठीक है। ये तो इमेज है, बट ये जो हम लोग वेक्टर अपना बना रहे हैं 3D बॉटल, इसको हम लोग को बिल्कुल इस पेप्सी के बॉटल की तरह ही बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैप आर्ट यूज़ करेंगे। मैप आर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली पहले इसको आप सेलेक्ट करो, 3D रिवॉल्व में चले जाओ, प्रीव्यू ऑन कर लो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैप आर्ट का, देखो इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन है मैप आर्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें जितने सारे सरफेस हैं, यानी कि ऊपर का, नीचे का, दाएं बाएं, सेंटर का, पीछे का, जितने सारे आपको सरफेस हैं वो सारे सरफेस यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये देखिए टॉप का है, ये टॉप का सरफेस आपको दिख रहा है। एक बार क्लिक करोगे ये जो फ्रंट का सरफेस है वो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से बारी बारी से आप चेंज करके सारे सरफेस पे आपको लेबल इंपोर्ट करना होगा, इमेज इंपोर्ट करना होगा, या फिर जो आपकी ज़रूरत है यानी कि जैसे आपकी नीड हो उस तरह से आप सरफेस को चेंज करोगे और उसमें आप कलर अप्लाई करोगे। मुझे इसके जैसा बनाना है तो मैं सबसे पहले टॉप से शुरू करूँगा, और टॉप में कैसा कलर है ब्लू, तो मैं इस ब्लू कलर को मैं यूज़ करूँगा। ये ब्लू कलर को मैं कैसे यूज़ करूँगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ सबको। सबसे पहले कुछ शेप में आपको कलर कॉम्बिनेशन को ले लेना है, देन आपको आना है सिंबल में। ये है सिंबल जिसको मैं देखिए सारे इसमें आपको दिख रहे हैं वो कलर्स, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ। आपको कैसे ऐड करना है, सिंपली आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। कलर पिकर से कलर पिक कर लेना है। मैं यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से ये ब्लू कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसमें ला के इसको ड्रॉप कर देना है। इसमें आप नाम लिख लो, तो मैं इसमें डेमो लिख ले रहा हूँ, देन आप ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे ये आ गया है। इसी तरह से आपको जितने सारे इसके अंदर कलर्स हैं सबको एक रेक्टेंगल में बनाने के बाद आपको सैम्बल में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है फिर से वहीं मैप आर्ट में। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपेरेंस में जाता हूँ, देन 3D एंड रिवॉल्व, ठीक है। प्रीव्यू ऑन करेंगे, मैप आर्ट में जाएंगे, और फ्रेंड्स यहाँ से मैं इस पर कलर अप्लाई करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट वाला जो मेरा है यहाँ है, ये देखिए फ्रंट कलर इसमें ब्लू है, तो हम लोग इसमें ब्लू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा है नंबर 1 पे ब्लू, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन स्केल टू फिट करेंगे, इसके अंदर ब्लू कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे जो इसके नीचे वाले कलर में भी ब्लू है, ये रेड है या ब्लैक है आपको देख लेना है। इसमें इसके नीचे वाले में एरिया कौन सा दिख रहा है, तो इसमें हल्का गोल्डन यानी किस तरह का दिख रहा है, तो हम लोग वो कलर इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 पे है, नंबर 2 वाले कलर पे स्केल टू फिट एंड नेक्स्ट। इसमें भी यही कलर है तो हम लोग इसको नंबर 2 को लेंगे एंड करेंगे इसको स्केल टू फिट एंड नेक्स्ट। फिर वही कलर लेंगे एंड स्केल टू फिट नेक्स्ट। यहाँ तक भी सेम कलर है, इसमें भी हम लोग वही कलर लेंगे, देन स्केल टू फिट एंड नेक्स्ट। यहाँ पे फ्रेंड इसमें देखिए वाइट है, ठीक है। इसमें हम लोग वाइट वाला लेंगे, वाइट वाला यहाँ पे है नंबर 2, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन स्केल टू फिट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे इसमें ग्रेडियंट यूज़ किया गया है, तो हमारा ये ग्रेडियंट वाला सैम्बल जो हम लोग ऐड किया था सैम्बल में उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ है हमारा ग्रेडियंट वाला सैम्बल नंबर 4 पर, तो इसको हम लोग करेंगे स्केल टू फिट पहले, देन इसको अंदर एडजस्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बात बता दूँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 कलर दिख रहे हैं, एक हल्का डार्क है एक लाइट है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो डार्क कलर है ये पीछे का कलर है, ये जो वाइट कलर दिख रहा है ये आपका फ्रंट यानी विजिबल होगा। अगर मान लीजिए मैं इस पर लेकर आऊँगा तो ये कलर हमको यहाँ दिखेंगे, अगर मैं इस पर लेकर इसको ड्रॉप करूँगा तो ये कलर हमें नहीं दिखेंगे, इसके पीछे वाले कलर पर हमको दिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को इस साइड में इसको फिट करना है, तो मैं इसको इस साइड फिट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेबल बनाना है। देखिए यहाँ पे ये लेबल लगा हुआ है, तो हम लोग भी अपना ये लेबल इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो मैं सिंपली अपने सैम्बल में जाता हूँ और यहाँ मेरा लोगो लेबल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिख रहा है, आप इसको जैसे मॉडिफाई करोगे ये भी मॉडिफाई होगा साथ साथ में। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं कुछ इस तरह से। नाउ नेक्स्ट करेंगे, और इधर भी ग्रेडियंट है, इधर भी ग्रेडियंट हम लोग फिल करेंगे नंबर 4, स्केल टू फिट एंड एडजस्ट करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंगे इसके जो नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इसमें भी हम लोग ग्रेडियंट फिल करेंगे
ठीक है, स्केल टू फिट कर देंगे क्योंकि दिखने वाला नहीं हम लोग को, देन ओके नाउ ओके। सो फ्रेंड ये हमारा बॉटल अभी यहाँ पे हम इसके देखिए नकल में रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी बॉटल रियल टाइप का इसके जैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये बॉटल सेम सेम क्यों नहीं दिख रहा मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको करो सेलेक्ट, मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप बस चेक कर दोगे, यानी कुछ चेक बार होता है उसको आप बस चेक कर दोगे तो ये बॉटल हमारा रियल इसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्ट्रोक को सेलेक्ट करो, 3D रिवॉल्व में जाओ, प्रीव्यू ऑन करो, मैप आर्ट में जाओ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है शैडो आर्टवर्क, ठीक है, और यहाँ पे इनविजिबल ज्योमेट्री है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको मैप आर्ट में मिल जा रहे थे। आपको इनविजिबल ज्योमेट्री कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली शैडो आर्टवर्क पर चेक करके ओके कर देना है। ना ये देखो बिल्कुल ही रियल आपको एक बॉटल का लुक में ये आ चुका है। ये इमेज है, ये हमारा वेक्टर फाइल है, तो ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको लगना ही है। ठीक है, ये जो इस पे जो डिटेलिंग दिया गया है, ये डिटेलिंग के बारे में बाद में आपसे बात करूंगा क्योंकि अभी मैं बस आपको डायग्राम बनाना बता रहा हूँ कि आप 3D कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो एडोबी इलस्ट्रेटर में। हालांकि जो अभी बॉटल है मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज़ें बनाकर दिखाने वाला हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और मोकअप बनाना बताया था, अगर ये वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देख लो किस तरह से हम लोग मोकअप बनाते हैं और पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को यूज़ करके। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे आप फॉलो करो और जो भी कन्फ्यूज़न हो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो होता है यहाँ पर कम्प्लीट। सो फ्रेंड्स और वीडियो के लिए हमें चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।